पार्टीगर हम मैं पार्टीगर सबसे अलग सबसे अच्छी किस्म कैलिबर इज जस्ट वांटेड हिम बट इट रेन इन द मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम अवि है और मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ. एंड इन दिस वीडियो आई एम ट्रैवलिंग टुवर्ड मिनी गोवा पठानकोट. अभी हम अमृतसर हाईवे पे हैं और यहाँ से मिनी गोवा 187 किलोमीटर्स है. सो लेट्स बिगिन द जर्नी. स्टे ट्यून्ड. हाय एवरीवन, तो अभी हम पहुंच गए हैं लखनपुर और यहाँ के कहते हैं लड्डू काफ़ी फेमस होते हैं. सो देयर इज अ स्पेशलिटी ऑफ लखनपुर, लखनपुर लड्डू. और ये अंकल हमारे तेल जो कटे कर रहे हैं तो देखो मारो थोड़ा सा फिर मारे. हाँ, गर्मा गर्म लड्डू खा के मज़ा आ गया. चलो गाइस, यहाँ से आगे चलते हैं अभी. ये सागर डैम में आ गए और ये रणजीत सागर डैम का व्यू है. आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है. तो दोस्तों, मिलिए इस बड़ी ही ज़्यादा प्यारी क्यूट फैमिली से जो कि इस टाइम पे चने खा रही है. और हम अभी यहाँ से अपना सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं. स्टे ट्यून, मिलते हैं. मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल बस. हाय एवरीवन, होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे. बस अभी हम पहुंचने वाले हैं. यहाँ से 2 किलोमीटर रह गए आगे. मैं तो खुद बड़ा ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ. मिलते हैं हम बस पहुंचने वाले. सफ़र में बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है. देखते हैं मंजिल कैसी होती है. स्टे ट्यून. सो फाइनली हम 187 किलोमीटर का सफ़र तय करके अमृतसर से मिनी गोवा पहुँच गए. तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में. तो इसकी कोई अलग से कोई टिकट नहीं है एंट्री की, बस कार पार्किंग होगी. और अगर आप कोई राइड करना चाहेंगे तो उसको आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा. सो लेट्स एक्सप्लोर. सो हे एवरीवन, तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं मिनी गोवा में. और यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है हमें. काफ़ी खूबसूरत जगह बनी हुई है. तो ये यहाँ का व्यू पॉइंट है. यहाँ से पूरा जो स्पॉट है वो दिखाई दे रहा है बड़े अच्छे से. और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से पूरा मिनी गोवा. सामने खूबसूरत झील, पहाड़ियाँ, बड़ा ही अच्छा लग रहा है. तो हाय गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे लेक के बिल्कुल पास. और यहाँ पानी बड़ा सुंदर लग रहा है. आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है व्यू. दूर दूर तक आसमान जैसा समुंदर दिख रहा है हमें. तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है. यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शांति मिल रही थी यहाँ पे. तो थोड़ा समय यहाँ पे बिताने के बाद फिर हमें इस जगह को छोड़ के आगे के लिए निकलना पड़ा. तो अभी हम जिप लाइन करने जा रहे हैं ऊपर.
पहाड़ी की दूसरी साइड था लेक के, बीच में एक पहाड़ी आती थी उसको क्रॉस किया और फिर आगे जाके यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। हम पहले एग्जैक्टली वहाँ पे थे, अभी हम ये सारा क्रॉस करके ऊपर आए। अभी हम करने जा रहे हैं जिप राइडिंग, देखते हैं क्या होता है। अभी राइड करने से पहले ये फॉर्म को फिल करना होता है, तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद हमने अपनी राइड को बड़ा एंजॉय किया। Shit, see me and my buddies, you know we gonna bring a vibe as you riding. Wanna get a taste of the eyes and committing up the paper, can I handle what I'm writing? Normal touch karna, padhna nahi aata, itna hi jaanta hai. Idhar karo, theek hai? Lagi. Chakko upar lag, chakko theek hai normal. Chakko, chakko, chakko. तो जिप लाइनिंग के बाद हमें भूख लग गई और अभी हम लंच करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ऊपर रेस्टोरेंट में लंच किया है। अभी खाना खाने के बाद हम वापस जा रहे हैं अपने जहाँ पे हमने कार पार्क की थी, और वहाँ से अब हम वापस अमृतसर के लिए निकलेंगे। तो फाइनली अब हम अपनी कार में आ गए हैं और अभी यहाँ से हम निकलने लगे हैं। ड्यू टू सम टाइम इशू हम बोट राइड नहीं कर पाए क्योंकि 5 बज गए थे यहीं पे और अब हमें 3-4 घंटे रास्ते में लग जाते, तो अब हम यहाँ से निकल रहे थे। उम्मीद है आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।